एक कहानी है जिसे दोहराने का समय फिर आ गया है। स्त्री 2 और तुम्बाड़ का हिट होना आखिर किस और इसका कर रहा है? एक तरफ बॉलीवुड की किसी पीटी स्टोरी लाइन और मूवी का कॉपी करना दोनों बॉलीवुड के लिए आम बात, वहीं एक तरफ वीराना, तहखाना, बंद दरवाजा या पुराना मंदिर जैसी पुरानी फिल्में हैं, तो दूसरी तरफ भूत, स्त्री, भेड़िया जैसी नई जमाने की फिल्में हैं। लेकिन इन सभी फिल्मों में एक बात तो कॉमन है, वो है डर से भरपूर माहौल। 70 और 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स ने लगभग 45 हॉरर फिल्में बनाई और ज्यादातर फिल्में अच्छी कमाई की। फिर एक लंबा समय के बाद आया जब बड़े पर्दे से हॉरर फिल्में गायब हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद फिल्म मेकर राम गोपाल ने कुछ फिल्में बनाई जैसी रात, भूत, कुफे और डरना बना, लेकिन इनमें से दो ही फिल्में चल पाई। इसके बाद बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड में एक फिल्म का अनाउंस हुआ और वो था स्त्री। ऑडियंस को लगा ये फिल्म भी उसी फिल्मों की तरह ही होगा, बट जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो ऑडियंस को खूब पसंद आया। अब सवाल उठता है आखिर क्या ऐसा था इस फिल्म में जो इतनी पॉपुलर हुई, तो आइए जानते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने डेली लाइफ में कोई भी खाने का पदार्थ लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसे आप मिक्स करके ही ले, बस वैसे ही फिल्मों में अप्लाई होती है। पहले हॉरर फिल्म में बनी ये बात तो सच है, और ये भी सच है कि फिल्में सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन वजह क्या थी? वजह ये थी कि मेकर्स को ऑडियंस का टेस्ट पता ही नहीं था। उसने सिर्फ ऑडियंस को डराने के लिए ही फिल्म बनाई, जो ऑडियंस को फिल्म पसंद नहीं आई। फिर आई स्त्री जैसी फिल्म। इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि मेकर्स फिल्म में कुछ नया करने जा रहा था, और वो था हॉरर प्लस कॉमेडी को मिक्स करना, जो रिजल्ट आपके सामने है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ऑडियंस को कैसी फिल्में चाहिए। इसके बाद पिछले कुछ सालों में स्त्री, शैतान, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 और तुम्बाड़ जैसी फिल्में रिलीज हुई, जिन्हें बड़े पर्दे पे अच्छी रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस से। और इसी तरह की फिल्में अभी बॉलीवुड में रिलीज करने जा रही है। भूल भुलैया 2 के सफलता के बाद भूल भुलैया 3 रिलीज होने जा रही है, और फिर अगले साल यानी 2025 में अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला रिलीज होने वाली, जिसकी क्रेज अभी से हमें देखने को मिल रहा है। अब एक और सवाल उठता है, तुम्बाड़ को रिलीज होने के बाद उसकी अच्छी कमाई करना हमें किस और इशारा कर रही है? जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी तब उसने अच्छी कमाई नहीं कर, और इन सब की वजह थी कि फिल्म अच्छी हाइप नहीं बना पाई थी, और जिसकी वजह से फिल्म अच्छी कमाई नहीं कर पाई थी। हालांकि ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आई। कई बार ऑडियंस ऐसा सोचती है कि फिल्म को पहले हमने OTT पे देख लिया, लेकिन चलो अब हम थिएटर में देखते हैं। जाते जाते आपसे आखिरी सवाल है मेरा, क्या हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों का दौर तुम्बाड़ जैसी फिल्मों से लौट आएगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं।